मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश में डेडिकेटेड इंफोटेनमेंट फिल्म सिटी जोन की स्थापना के संबंध में फिल्म जगत से जुड़े महानुभावों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने फिल्म जगत के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में प्रत्यक्ष एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार फिल्म सिटी परियोजना के द्रुत गति से आगे बढ़ाने के लिए पूरी सक्रियता से कार्य करेगी। गंतव्य की इस फिल्म सिटी में डेडिकेटेड इंफोटेनमेंट जोन के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर भी बनाए जाएंगे। इसमें आने वाले समय में इंटरनेट इनेबल कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एवं वर्चुअल रियलिटी आदि, जो कि सॉफ्टवेयर व डेटा डिपेंडेंट होते हैं, के लिए फ्यूचर प्रूफ व्यवस्था प्रारंभ से उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति और परंपरा का केंद्र बिंदु है। प्राचीन पौराणिक कालखंड से लेकर अर्वाचीन समय में देश की आज़ादी की लड़ाई में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, गंगा यमुना के संगम की स्थली उत्तर प्रदेश में है। नैमिष तीर्थ, जहाँ श्री भगवत पुराण का सर्वप्रथम वाचन हुआ, वह भी उत्तर प्रदेश में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुक्र तीर्थ, चित्रकूट तथा श्रृंगार विश्व पूर्व आदि भी हमारे राज्य में है। स्वाभाविक रूप से वैदिक काल से लेकर वर्तमान कालखंड तक भारतीय परंपरा, संस्कृति और सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण धरती उत्तर प्रदेश रही है। बुद्ध, महावीर और कबीर विश्व को उत्तर प्रदेश की देन है। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां भी दुनिया को उत्तर प्रदेश दे रहा है। राज्य ने प्रत्येक कालखंड में योगदान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ के आयोजन को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त संस्कृति धरोहर के रूप में मान्यता दी है। कुंभ के संबंध में मान्यता है कि इस आयोजन में देवी देवता संगम तट पर स्नान करते हैं। प्रयागराज कुंभ के आयोजन के संबंध में प्रधानमंत्री ने इसे एक यूनिक इवेंट के तौर पर प्रस्तुत करने का तथा अतीत में इस आयोजन से जुड़ी दुर्व्यवस्था, दुर्घटना, असुरक्षा और गंदगी की छवि को दूर करने के लिए योजना बनाकर कार्य करने की बात कही थी। इस उद्देश्य के साथ वर्तमान राज्य सरकार ने कार्य प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने वर्ष 2019 के आयोजन को कुंभ का नाम दिया था, क्योंकि अधूरा हम लोगों में कुछ नहीं होता, हम आधे में नहीं पूर्ण में विश्वास करते हैं। हमारी संस्कृति में पूर्णता से प्रारंभ और पूर्णता से ही समापन होता है, या केवल फिल्म सिटी तक ही सीमित नहीं रहेगा। हम वहां वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रॉनिक सिटी देने जा रहे हैं, साथ साथ वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सिटी भी प्रस्तावित करने जा रहे हैं, जहाँ हर प्रकार के आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों का संचालन किया जा सकेगा। हर कस्बे तक सिनेमा पहुंचेगा, इसलिए थिएटर को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अनूप जलोटा, उदित नारायण, शैलेश सिंह, पद्म देनु कुमार, विजेंद्र प्रसाद, श्री कैलाश खेर, संदीप सिंह तथा मनोज जोशी ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर अनुपम खेर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिल्म सिटी के निर्माण के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह दिन फिल्म जगत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। परेश रावल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी दृष्टि से अपार संभावनाएं हैं। इस अवसर पर फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो संकल्प करते हैं उसे साकार करते हैं। उन्होंने सभी के प्रति आभार प्रकट किया। इस अवसर पर स्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, विशेष कार्य अधिकारी मुख्यमंत्री संजीव सिंह, फिल्म बंधु के सदस्य सचिव एवं सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य महानुभाव उपस्थित रहे। जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं ततुसुप्तस्य तथैव इति दूरंगमं ज्योतिखान् ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्प। निष्ठा के पात्र होते हैं जनसमुदाय, जनसमुदायों का सुख, उन सुखों की व्यवस्था और व्यवस्था का धर्म, ये व्याख्या परिपूर्ण होती है योगी जी आपसे। उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में जो फिल्म सिटी का निर्माण होने जा रहा है, वो भारत का, मैं ऐसा कहूंगा कि प्राइवेट स्टूडियो बहुत है, लेकिन एक सरकार पूर्ण रूप से ऐसा विराट चित्र नगरी निर्माण करे, ऐसा मुझे लगता है भारतवर्ष में मुंबई छोड़ के ये पहला उदाहरण होगा। क्या वाह। और सारी कनेक्टिविटी की बात हो गई है, वो भी मैं सिर्फ मुद्दे की बात करता हूं। 70% जो टेक्नीशियन है इंडस्ट्री के, जैसे शैलेश जी ने कहा, सबने कहा, वो सारे उत्तर प्रदेश से, और उनको तो काम मिलेगा ही, लेकिन एनएसटी से लेकर, भारतेंदु से लेकर मध्य प्रदेश तक जितनी भी नाट्य विद्यालय हैं,
यहां से ही सारा, अनुपम खेर जी भी एनएसडी के हैं, भारतीय हिंदू में शिक्षक थे, तो यहीं से ही सब लोग, वो जो लोकल टैलेंट है उसको भी चालना मिलेगी, उनको रोजगार प्राप्त होगा। दूसरी एक बात, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जनरेटर वाले हैं, वैनिटी वैन वाले हैं, टेक्निकल सप्लायर्स हैं, सेट मटेरियल सप्लायर्स हैं, लाइट वेंडर्स हैं, कैटरर्स हैं, कैमरा लेंसेस हैं, कैमरा वाले हैं, उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए मॉनिटोरियम देकर, उनको सब्सिडाइज कर जगह अगर प्रोवाइड की जाए, तो मुझे लगता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो मुंबई से क्यों, देश के कोने कोने से, विश्व से भी आदमी सिर्फ यहां अपने डायरेक्टर, एक्टर्स और सारी टीम लेकर केवल यहां आएगा और अपनी सॉफ्ट कॉपी लेकर बाहर जाएगा। यह बहुत अद्भुत कल्पना है। एड फिल्म की जो इंडस्ट्री है, दिल्ली में भी है, यूपी में भी है, मुंबई में भी है, भारतवर्ष में सभी जगह, क्या परदेश से भी लोग यहां आते हैं, वो भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पंजाबी इंडस्ट्री है बगल में, भोजपुरी इंडस्ट्री है, वो सारी इंडस्ट्रीज कनेक्टेड होंगी यहां से, ये चार भाषाओं की तो होंगी, और भारतवर्ष की जो और आठ भाषाएं हैं, मतलब टोटल 12 भाषाओं की इंडस्ट्री का ये बहुत बड़ा द्वार होगा, महाद्वार है। और दूसरा, ये स्टूडियो जो बने वो पर्यावरण और इको फ्रेंडली ही बने, ताकि जो पीओपी सेट के लिए यूज होता है वो रिसाइकल हो, यहां विद्युत जो है वो खुद की क्रिएट हो सकती है, सोलर प्लांट लगा के हो सकती है, और वो विद्युत खुद की हो, जैसे जनरेटर ज्यादा से ज्यादा बाहर गांव जाने के लिए जनरेटर होते हैं, यहां से कहीं दूर जाना है या यहां भी किसी को चाहिए तो, लेकिन विद्युत खुद की क्रिएट हो सकती है। दूसरी एक बात, पिछले 6-7 वर्षों में जितनी भी फिल्में बनी है ओटीटी प्लेटफॉर्म, यानी कि जो प्राइवेट ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो, या फिल्में, वो ज्यादातर नॉर्थ इंडिया के, उत्तर प्रदेश या आसपास के प्रदेशों की कथाओं पर, मिट्टी की कथाओं पर बनी। ऋषि शैलेश जी ने भी जितनी फिल्में बनाई वो यहां बनाई, या वो फिल्मों की शूटिंग करने के लिए यहां आते हैं, क्योंकि मुंबई और आसपास, मुंबई में सेंटर जरूर है बट शूटिंग करने के लिए लोग बाहर ही जाते हैं, ये पिछले सालों का सबका अनुभव होगा। दूसरी एक बात, जो इंस्टीट्यूट बनाने की बात थी, उसमें सेट डिजाइनर को लगने वाले कारपेंटर, पेंटर अलग होते हैं, मोल्डर्स, इलेक्ट्रिशियन, स्पॉट बॉय, ट्रॉली पुलर, फोकस पुलर, लाइटमैन, मेकअप, हेयर प्रोडक्शन, फिल्म मेकिंग को लगने वाले जो छोटे छोटे रोजगार जो प्राप्त होंगे, उनको स्किल डेवलपमेंट के तहत और स्किल के हिसाब से उनको अगर ट्रेन किया जाए, इलेक्ट्रिशियन होंगे, टेक्नीशियन होंगे, राइटर होंगे, डायरेक्टर होंगे, एक्टर तो होंगे, लेकिन इनको भी बेसिक ट्रेनिंग देनी जरूरी है, क्योंकि वो स्पॉट बॉय भी सिस्टमैटिकली काम करना चाहिए और उनको बहुत अच्छा रोजगार प्राप्त होगा। दूसरा, जो अम्यूजमेंट पार्क की जो बात थी, उससे मैं इसलिए, क्योंकि टूरिज्म, जो ताजमहल को जाएगा वो अम्यूजमेंट पार्क के लिए टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, होटेलियरिंग को बढ़ावा मिलेगा, जो देश में से जो धार्मिक स्थलों को विजिट करता है उत्तर प्रदेश में, वो भी एक टूरिज्म का बहुत बड़ा सेंटर बनेगा और टूरिज्म से रेवेन्यू भी प्राप्त होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक जैसे 7 वंडर्स हैं या ऐसे सब कुछ है, जैसे रामोजी भी है, 10 साल तक लोगों ने शूटिंग करने नहीं गए वहां, उनको भी बहुत झेलना पड़ा, बाद में उन्होंने क्या, बाद में जब रेवेन्यू शुरू हुआ, क्योंकि साइड में रेवेन्यू भी होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा है कि ये प्रशिक्षण से जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है और स्किल की जो कल्पना है वो भी परिपूर्ण होगी। और योगी जी, ये इतना विशाल और विराट है कि मैं ऐसा कहूंगा कि वामन अवतार ने अपना विराट जो स्टेप है वो ले लिया है। धन्यवाद। एनिमल अपना राजू, राजू श्रीवास्तव, राजू जी। हाँ राजू जी, तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव गुरुजन, सारे पॉइंट, सारे बिंदुओं पे बात हो रही है। अब मैं एक कलाकार का दर्द आपके सामने रख रहा हूँ कि कितनी महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए फिल्म इंडस्ट्री। मैं बहुत साल तक
बॉम्बे इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि किराया बहुत था उस टाइम, तो उतना किराया बहुत लगता था। बाद में दोस्तों ने जो कंट्रीब्यूशन दिया, सबने चंदा दिया, तो फिर हम बम्बई पहुंचे और वहाँ कुछ दिनों में हम वापस हो गए क्योंकि वहाँ इतना महंगा था कि हम वहाँ पर रह नहीं पाए। और जो हमारे रिश्तेदार थे उन्होंने भी असमर्थता व्यक्त की रखने के लिए, एक शाम बस उनके यहाँ चाय मिली, फिर उन्होंने कहा कि हमारा घर बहुत छोटा है, हम रख नहीं पाएंगे। तो मैं फिर लौट आया और फिर पैसे इकट्ठा किए, एक दो साल बाद फिर वापस गया। तो इस तरह से हम हिंदी भाषियों को बहुत संघर्ष करना पड़ा बॉम्बे जाके, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी सुविधा नहीं थी, फिल्म सिटी नहीं थी, यहाँ पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के कोई ऑफिस नहीं थे। तो मुझे लगता है कि मेरा सपना भी साकार होने जा रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत आभारी हूँ। दो साल से मैं और अनिश जी इस विषय पे हम लोग अध्ययन करते थे। मैं किसी ना किसी को बुला के जो मेरे समझ में आता था दिल्ली से मुंबई से लेके आता था, कभी वो लखनऊ बनाना चाहते थे तो कभी उनको महंगा लगा, फिर वापस चले गए, फिर हमने चित्रकूट और बांदा की तरफ जगह देखी, फिर उनको वहाँ नहीं अच्छा लगा, असुविधा हुई। इस बार मुख्यमंत्री जी ने सारी बाधाएं दूर कर दी हैं, जिसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जब भी आप लोग आएंगे मैं स्वागत के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा और जो जो मुझे कार्य दिया जाएगा मैं करने के लिए हमेशा तत्परता से मौजूद रहूँगा, खड़ा रहूँगा, श्रम देने को तैयार है, तैयार हूँ, क्योंकि मुझे मेरे साथियों का दर्द पता है, मेरे साथी कलाकारों का दर्द पता है जो बम्बई में अभी भी भटक रहे हैं। एक लड़का जो वहाँ कानपुर से हीरो बनने आया था, अभी वो मेरी गाड़ी चलाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दोबारा वो एक्टिंग में आएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत क्षमता है। तो बहुत सारे ऐसे कलाकार कभी प्रयागराज में, कभी गोरखपुर में हमें मिल जाते हैं, अच्छा गाते हैं, हमें सुनाते हैं, हमें शर्म आती है कि हमें तो लोग जानने लगे ये देखो इतना अच्छा गाता है और इसकी पहचान नहीं है। क्योंकि मैंने उससे कहा बम्बई कभी नहीं आया तो बोले भैया हमारा वहाँ कोई नहीं, हम कोई हीरो हीरोइन के बेटे नहीं हैं, हमारा कोई गॉडफादर नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम वहाँ जा सकें। तो हम लोगों ने वहाँ भूखे रह के अपनी जगह बनाई है, वो सपना साकार होने का वक्त आ गया है। और इस बार क्योंकि मुख्यमंत्री जी के बारे में मशहूर है ये जो संकल्प कर लेते हैं वो साकार करके मानते हैं, और एक शैली तो उनकी पता है, अगर सीधे ना माने कोई अपराधी तो ठोको, तो ठोको बीत वाले हैं। सो ये कार्य होके रहेगा। और ह्यूमर नोट पे डेढ़ घंटे से बहुत गंभीर मीटिंग चल रही है, उनकी जरूरत था। ह्यूमर नोट पे मैं जब हमारे देसाई साहब बता रहे थे ब्राड पिट के बारे में मुख्यमंत्री जी को, वार्नर के स्टूडियो के बारे में बता रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी और मैं हम दो ही नहीं समझ पा रहे थे। और धीरे धीरे लंच टाइम हो गया तो योगी सर कल लखनऊ मेरे साथ बड़ा अजीब हुआ, यहाँ भी बहुत ह्यूमर है। लंच टाइम था, खाने के लिए होटल गया मैं, हमने कहा खाने में क्या तैयार है, तो कहने लगा भाई साहब तो लंच टाइम है, लंच टाइम में तो खाना मिलेगा नहीं। हमने कहा लंच टाइम में खाना नहीं मिलेगा? नहीं, लंच टाइम वेटर लोग खाना खा रहे हैं, जब आपको भूख लगती तभी तो उनको लगती है। तो हमने कहा अच्छा, तो अपने मैनेजर को बुलाओ, तो कहने लगा नहीं मैनेजर तो परस रहे हैं। हमने कहा लंच तुम्हारे कब मिलेगा? बोले लंच के लिए आप जो है सुबह सुबह 8 बजे आ जाइए, कोई रहेगा नहीं हम खिला दें। तो यहाँ पर इस जोक का ही मतलब है कि आप लोग जाइएगा नहीं, आप सबसे निवेदन है कि यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि उसमें भी वो अपना समय दें। और मुख्यमंत्री जी ने समय दिया, उनको बहुत बहुत आभार, और हमारे जितने महानुभाव मुंबई दिल्ली सब जगह से आए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि खत्म होने से पहले तो संगीत से ही खत्म किया जाए। कहे साधु कहे, हर संत कहे, योगी कहे, सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है,
धरती अपनी है अपना अंबर है रे तो आ जा रे। मैं सबसे पहले आप सबका देश के फिल्म जगत से जुड़े हुए जो डायरेक्टर हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर हैं या इस फील्ड में एक लंबा अनुभव आप सबका है, एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप सब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आए हैं, मैं अपनी पूरी टीम की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। पिछले पौने दो घंटे से मैं आप सबकी बात को बहुत धैर्य से सुन रहा था। दोनों चीजें देखने को मुझे मिली, एक तो एक उत्साह, एक उमंग, आप सबके अंदर भी देखने को मिली है और देश के हमारे जो अन्य इस फील्ड के दिग्गज हैं उन सबके अंदर भी देखने को मिला है। ये मेरे लिए बहुत अंतःकरण से प्रफुल्लित करने वाला क्षण है कि शासन की किसी घोषणा को उस फील्ड से जुड़े हुए लोग अंतःकरण से स्वीकार करें। दूसरा एक पीड़ा इस बात की कि वास्तव में हम जिस समाज में, जिस संस्कृति में और जिस देश में निवास करते हैं उसके बारे में अपना कितना योगदान दे पा रहे हैं और उसको अपने अंतःकरण से स्वीकार करते हुए भी कि वास्तव में हम अपने लिए तो कर पा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कोई चूक जरूर हो रही है कुछ कारणों से कि जो अपेक्षा इस इंडस्ट्री से है वह कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर रहे हैं। एक अवसर हमें मिलेगा कि हम लोग फिर से इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश हम सब जानते हैं कि आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ की एक बड़ी आबादी हमारे पास है, 7 राज्य उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, फिर दिल्ली है और एक देश नेपाल भी उत्तर प्रदेश के साथ एक बड़ी सीमा प्रदेश से उसकी जुड़ती है। उत्तराखंड भी तो हाँ उत्तराखंड भी है, ऐसे में उत्तराखंड भी है, बंगाल भी है, नहीं बिहार के बाद फिर बंगाल आ जाता है, लेकिन ये है, ये 7 राज्यों के साथ साथ एक देश के साथ हमारी सीमा जुड़ती है। और आप अद्भुत जो बात उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा का एक केंद्र बिंदु है। प्राचीन पौराणिक कालखंड से लेकर के अर्वाचीन काल तक देश की आजादी की लड़ाई में भी इसका जो योगदान है, आखिर दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी उत्तर प्रदेश में है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में है, भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मस्थली उत्तर प्रदेश में है, गंगा यमुना के संगम की स्थली प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। देश के अंदर अगर हम पुराणों की धरती के रूप में इसकी वो करें तो वह नैमिष तीर्थ भी श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे पहला वाचन जिस धरती पर हुआ था वह उत्तर प्रदेश में है, सुख तीर्थ उत्तर प्रदेश में है, यानी अपनी वैदिक और पौराणिक परंपरा को समेटे हुए
चित्रकूट को आप ले लीजिए, आपका अन्य जितने भी श्रृंगवेरपुर को ले लीजिए, कौन सा ऐसी जगह है जो यहां पर नहीं है? हम वैदिक काल से, रामायण काल से, महाभारत काल का हस्तिनापुर भी उत्तर प्रदेश में ही है। और जिस क्षेत्र में हम लोग इस फिल्म सिटी के लिए प्रस्तावित किया है, जहां पे भी यमुना अथॉरिटी की ओर से जो प्रेजेंटेशन प्रस्तुत भी किया गया है, देखिए ये भारत की उस जिस नाम से भारत का नाम भारत पड़ा, भरत शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर, ये उसी हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र है जहां पर ये फिल्म स्टूडियो हम लोग फिल्म सिटी हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। भारत की पहचान का प्रतीक बनेगा, गंगा और यमुना के बीच का भूभाग है। यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना जी के पैरेलल जो हमारा एक्सप्रेसवे आ रहा है दिल्ली को आगरा से जोड़ने के लिए, उसके बीच में पूरा क्षेत्र पड़ता है। और इस पूरे क्षेत्र ने, आपने देखा होगा कितना बड़ा योगदान दिया है देश की, यानी मध्य के उस कालखंड में जब इस देश पे हमले हो रहे थे तब भी यह क्षेत्र जूझता रहा, लड़ता रहा, कार्य करता रहा, और देश की आजादी में भी इस क्षेत्र की भूमिका, उसको कोई नकार नहीं सकता है। प्रथम स्वातंत्र समर से लेकर के उसके बाद के कालखंड में अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा योगदान रहा है इस भूभाग का, इस धरती का। तो स्वाभाविक रूप से वैदिक काल से लेकर के और आज के कालखंड तक भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण धरती उत्तर प्रदेश रही है। और भारतीय सिनेमा का बहुत बड़ा योगदान इस दिशा में है, देश को जोड़ने, केवल भारत के अंदर ही नहीं, भारतीय सिनेमा ने तो भारत के बाहर तक भारत की संस्कृति और सभ्यता को पहुंचाने का कार्य किया। हरेक के उत्थान और पतन का अपने एक समय होता है और ये तो धर्मचक्र है, ये उत्थान और पतन उसके साथ जुड़ा होता है, हम उससे अलग अपने आप को हटके नहीं देख सकते। इसलिए ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, अगर बुरा हुआ है तो उसने अच्छा भी किया है, और अच्छे बुरे के बीच में रास्ता हमें ढूंढना है, उससे हमें रास्ता निकालना है। हमें अच्छेपन के लिए भारतीय दृष्टिकोण हो, भारत की सभ्यता और संस्कृति को हम पूरे देश के अंदर गौरव के साथ पहुंचा सकें, पूरी मर्यादा के साथ पहुंचा सकें, इस भाव को लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं आपको इस बात के लिए विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कनेक्टिविटी के मामले में अगर आप देखेंगे तो बेहतर कनेक्टिविटी, हमारा जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अभी अगले महीने से हम लोग उस पर कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं और 2023 से हमारा प्रयास है कि हम उसको फंक्शनल करेंगे। सबसे बड़ा एशिया का एयरपोर्ट बनेगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में हम उसे डेवलप कर रहे हैं। हमारी सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी, 5,000 acres में वो बन रहा है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। दूसरा, उसकी कनेक्टिविटी जो हम दे रहे हैं, इस कनेक्टिविटी के साथ साथ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और भी कुछ किया है। हम ये जो पूरा क्षेत्र है यहां पे मेट्रो की भी 4-lane की कनेक्टिविटी तो अभी भी है, मेट्रो की और भी जो आधुनिक सुविधाएं होंगी इन सबके साथ हम उसको जोड़ने जा रहे हैं। हमने अपनी अथॉरिटी की पूरी बैठक, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी, इन सब की बैठकें भी हमने की हैं। ये केवल फिल्म सिटी तक ही सीमित नहीं रहेगा, हम वहां पे एक वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी देने जा रहे हैं और वर्ल्ड क्लास की एक फाइनेंशियल सिटी भी हम वहां पे प्रपोज करने जा रहे हैं, जो हर प्रकार के आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों का संचालन वहां से कर सके। इस दृष्टि से भी ये सारी एक्टिविटीज हमारी वहां पे प्रारंभ होने जा रही हैं और इसको लेकर के बहुत तीव्र गति से हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आश्चर्य करेंगे, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में हमारे केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे और एक में कभी कभार
कोई फ्लाइट आ पाती थी। आज हमारे यहाँ 7 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, 25 पे कार्य चल रहा है, हर एक कोने को हम टच कर रहे हैं। आजमगढ़ को भी हम एयर वायु सेवा के साथ जोड़ रहे हैं, चित्रकूट में हमारा एयरपोर्ट बन रहा है, अयोध्या में हमारा एक बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, इसके साथ ही कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा अगले 1.5-2 महीने में हम उसको फंक्शनल कर देंगे। बुद्ध हम दे रहे हैं दुनिया को, महावीर हम दे रहे हैं दुनिया को, कबीर हम दे रहे हैं दुनिया को, कौन सी ऐसा कालखंड रहा है जब हमने ने दिया हो। और गंगा जैसी पवित्र नदी और यमुना जैसी पवित्र नदी भी दुनिया को उत्तर प्रदेश दे रहा है, उत्तर प्रदेश की देन है। कुंभ के आयोजन को आप देखेंगे, यूनेस्को ने अमूर्त मानवता की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उसको मान्यता दी। देखिए ना, लोगों की भावनाएं किस प्रकार से परवान चढ़ती हैं। सरकारें उसको एक औपचारिकता बना देती थी। 2013 में महाकुंभ का आयोजन था, पूर्ण कुंभ था, घटनाएं दुर्घटनाएं दुर्व्यवस्था गंदगी ये सब के पर्याय कुंभ जैसे आयोजन बन गए थे। कुंभ के बारे में हम लोग क्या मानते थे, कुंभ ये मानते थे कि कुंभ में सभी देवी देवता संगम तट पर आकर के स्नान करते हैं, सरकार की कोई व्यवस्था हो ना हो लेकिन गांव का एक सामान्य गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर के एक हर जिसके पास साधन थे अपने साधन से, शेष व्यक्ति अपने स्वयं के साधन से, कोई पैदल आ रहा है, कोई ट्रैक्टर से आ रहा है, कोई ट्रेन की छत पे चढ़ करके आ रहा है, कोई ट्रक में बैठ करके आ रहा है, लेकिन संगम में जाकर के स्नान करता था, सुविधा नहीं होती थी। कुंभ के बारे में जब चर्चा की बात आई तो मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखिए कुंभ को दुनिया के एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब तक छवि क्या है, कुंभ का मतलब अव्यवस्था, कुंभ का मतलब गंदगी, कुंभ का मतलब दुर्व्यवस्था, कुंभ का मतलब असुरक्षा, इस छवि को कैसे हम हटाएंगे, इसके बारे में कुछ अध्ययन करके इस पर कार्य योजना तैयार होनी चाहिए। हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया, यद्यपि 2019 में कुंभ जो था वह पूर्ण कुंभ नहीं था, अर्ध कुंभ था, लेकिन हमने नाम बदला, हमने कहा नाम कुंभ होगा, अधूरा हमारे यहां कुछ नहीं होता है, हम आधे में नहीं पूर्ण में विश्वास करते हैं, और इसलिए कुंभ नाम होगा। कुछ लोगों ने आपत्ति की तो मैंने उनको आमंत्रित किया, मैंने कहा मुझसे बातचीत करो, मैं इसका जवाब दूंगा। और फिर मैंने कहा कि देखिए हमारे यहां पूर्णता से ही शुरू होती है और पूर्णता में ही समाप्त होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णः पूर्णमुदच्यते, तो पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैंने कहा यह है भारत की वास्तविक परंपरा, इसलिए कुंभ कुंभ होगा। आप इसको महाकुंभ कर सकते हैं बाद में, लेकिन अभी कुंभ होगा और कुंभ को हम इसी रूप में प्रस्तुत करेंगे। फिर हम लोगों ने कुंभ का पहली बार, देखिए हजारों वर्षों के इतिहास में पहली बार कुंभ का एक लोगो होना चाहिए। लोगो क्या होगा, हम लोगों ने लोगो को उसी रूप में प्रस्तुत किया। कुंभ के पीछे का उद्देश्य क्या, हमने प्रसून जोशी जी को भी बुलाया था, हमने उनको थॉट दिया, हमने कभी कुंभ का मतलब प्रयागराज में हो रहा है तो गंगा और यमुना का संगम हो, अमृत कलश वहां पे उतरता हुआ दिखाई दे रहा हो, हम उसको किस रूप में प्रस्तुत करते हैं, इस रूप में इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर हम उसको प्रचार के एक माध्यम के रूप में लें, हमें स्वच्छ कुंभ देना है, हमें सुरक्षित कुंभ देना है, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी को अपनाने में परहेज नहीं करना है। हम अपने पीछे पिछड़ेपन का थप्पा नहीं लगाना चाहते, हम भारतीय हैं इस पर हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन हम टेक्नोलॉजी को अपना करके उसको बेहतर करेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, लोग मुझसे कहते थे कुंभ में इतनी बड़ी तैयारी आप कर रहे हैं, इलेक्शन के ठीक पहले ही आयोजन हो रहा है, और कोई घटना हो गई तो क्या होगा। मैंने कहा आप ये सोचते क्यों घटना होगी, भाई हम फुल प्रूफ व्यवस्था दे रहे हैं। उन्होंने कहा भीड़ होगी कैसे रोकेंगे, मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा कोई आतंकी वारदात हो गई,
मैंने कहा देश और दुनिया के सभी ऐसे जितने भी संदिग्ध चेहरे होंगे सब मेरे सॉफ्टवेयर में कैद होंगे और वे इस क्षेत्र में कहीं घूमेंगे भी तो पहले ही अलर्ट आने लग जाएगा, इससे पहले वो कुछ करें हम उसका काम तमाम कर देंगे, आप चिंता मत करिए, हमारे पास सब कुछ है, हम उसको करेंगे। अब देखिए इतना सक्सेसफुल रहा पूरा आयोजन, महाकुंभ के अवसर पर 2013 में 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे और जो अर्ध कुंभ जिसको कहते थे, जिसको हमने कुंभ कहा, उसमें 24 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए थे। कहीं गंदगी नहीं, कहीं अव्यवस्था नहीं, कहीं असुरक्षा नहीं, कहीं कोई दुर्व्यवस्था नहीं। और हमने ये भी व्यवस्था की, पहले होता क्या था, श्रद्धालु आते थे दूर दूर से पैदल, उन्हें 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पहले उनको रोक दिया जाता था। हमने कहा भी याद करना 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी न हो और 5 किलोमीटर से मैं हम पार्किंग, हर 5 किलोमीटर है पार्किंग दे दीजिए, पार्किंग की पूरी व्यवस्था करिए। दूसरा ये भी व्यवस्था उसमें करिए का कि 5 किलोमीटर से आने के लिए लोगों को हम लोग बैटरी चालित वाहन उन्हें उपलब्ध कराए, वे लोग आ सकें और संगम तट के अधिकाधिक नजदीक उनको लेके आइए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को सुविधा हो सके। आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे यहां माघी पूर्णिमा के दिन कुंभ में 5.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने एक दिन में स्नान किया और एक तिनका भी नहीं हिला, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने चीजों को किस रूप में हमारा प्रस्तुतिकरण क्या होता है ये निर्भर करता है, और मुझे लगता है कि भारतीय सिनेमा को भी हमें आज उस दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। और उस पर बहुत साफ, जैसे बहुत सारे लोगों की पीड़ा इस बात को बताती है कि आप लोग चाहते हैं, जैसे कभी कैलाश जी ने भी कहा कि पहली फिल्म बनी थी उस सत्यवादी हरिश्चंद्र पे बनी थी, यानी हमारा उस समय फोकस क्या था कि हमें यानी गांधी जी का पूरा जीवन बदला कैसे, उनके नाटक को देख करके, उस समय की उन फिल्मों को देख करके, उन चित्रों को देख करके कैसे व्यक्ति में व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है, उसका आधार बना था ये। आपने देखा होगा जब रामानंद सागर जी ने रामायण सीरियल को प्रस्तुत किया था, मुझे लगता आज भी हमने लॉकडाउन के दौरान देखा कि कितना व्यापकता उसमें देखने को मिली थी, किस रूप में लोगों ने उस चीज को स्वीकार किया। डिमांड होती थी कि इस एपिसोड को एक बार फिर से दिखाइए, फिर से दिखाइए, फिर से दिखाइए। हम किस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे हम प्रस्तुत करना चाहते हैं अपनी चीजों को, ये इस पर निर्भर करेगा। और मुझे लगता है कि पीढ़ियां याद करेंगी जो आप अच्छी चीज देते हैं। भाई आज जब चाणक्य एक सीरियल आता है, लोग किस रूप में उसको देखते हैं, लोगों को अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति का एहसास होता है कि वाह ये हैं हम, ये कर सकते हैं हम, अन्यथा किसी को पता ही नहीं, आखिर इन चीजों के बारे में देखा कौन। और मुझे लगता है सही प्रपेक्ष में उसको हम रख सकेंगे तो उस दिशा में बेहतर प्रयास करना चाहिए। और हमारे यहां जो है, देखिए मैंने पहले भी यहां पे कहा, जो अभी यहां पर हम मेरे सामने जो बात अभी ओम जी ने जो बात कही कि वो आदि पुरुष के नाम पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं, मैं स्वागत करूंगा और मैं तो चाहूंगा कि पूरा रामायण सर्किट पे कार्य चल रहा है, रामायण सर्किट पे जो कार्य वर्तमान में चल रहा है, देखिए कितनी अद्भुत परंपरा है। और इस पे तो हमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि देखिए अभी अयोध्या विवाद का प्रक्षेप हुआ है, कितने शांतिपूर्ण तरीके से एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक मूल्यों आदर्शों की स्थापना करते हुए, जहां पे हर व्यक्ति को अपनी बात को बोलने की पूरी स्वतंत्रता है, और तब 492 वर्ष के विवाद को जिसमें लाखों लोग जहां पर बलिदान हुए हों, और एक फैसले ने सभी लोगों को एक नया वो दे दिया हो, आपने देखा होगा ये भारत है। यानी हम लोग
किस रूप में राम के उस महत्व को प्रस्तुत कर सकते हैं कि जिस दिन राम जन्मभूमि का फैसला आना था, लोगों को लगता था कुछ होगा। मैंने कहा यार देखो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीजें होंगी। और मैं आपको बताऊं, आजादी के बाद का हमारा सबसे शांतिपूर्ण दिन था जब 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि का फैसला आया था, सबसे शांतिपूर्ण दिन था। यानी एक तिनका भी नहीं हिला कहीं प्रदेश में। होता है अक्सर कोई तूतू मैमे होता है, लोगों में मारपीट होती है, कहीं छिनेटी होती है, कहीं पे कोई अन्य चीजें हो जाती हैं। 9 नवंबर 2019 की तिथि ऐसी थी जिस दिन एक तिनका भी कहीं नहीं हिला, सबने स्वीकार किया, हर पक्ष ने इसको बहुत अच्छे ढंग से स्वीकार किया। और मैं चाहूंगा कि ये चीजें इसी रूप में आगे बढ़ा करके बहुत अच्छे कार्य हो सकते हैं। दूसरा, ये फिल्म सिटी का जो प्रस्तावित स्थल है, मुझे लगता है जब हम एक संस्कृति और एक रंगकर्मी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उनके आराध्य के रूप में कृष्ण सामने आते हैं। ये मथुरा के नजदीक पड़ता है, एकदम सटा हुआ है पूरा क्षेत्र, एक साथ वो आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा क्षेत्र भारत की पौराणिक, भारत की आध्यात्मिक, भारत की वैदिक और उन सभी परंपराओं को हमारे साथ जोड़ने का कार्य करता है। हम लोगों ने प्रदेश में अपनी फिल्म की पॉलिसी भी बनाई है, 2018 में हम लोग बना चुके हैं और मुझे लगता है कि इस पॉलिसी को लेकर के भी और भी कोई संशोधन और कोई भी अन्य किसी प्रकार के वो होंगे, हम लोग इसमें स्वागत करेंगे। हम तो आते हैं क्योंकि देखिए हमारे लिए केवल एक सिनेमा नहीं है, भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार, जो जिन जिन कार्यों यानी एक अच्छा फिल्म बनती है, एक अच्छा सीरियल बनता है, कैसे घर घर तक रामायण पहुंच गई, कैसे घर घर तक महाभारत पहुंच गई, कैसे घर घर तक चाणक्य पहुंच गए, लोगों ने जब देखा तब ना, जब उस पर कार्य किया गया तब ना, लोगों को सभ्यता और संस्कृति की जानकारी होने लग गई, लोगों को एहसास होने लग गया, परिवारों का माहौल बदल गया। मैं आपको बताऊं कि मैं अपने एक वरिष्ठ विचारक के वो करता हूं, उन्होंने बताया कि साहब जब ये रामायण सीरियल चल रहा था तो मुझे लगता था कि इस थ्रिलर सीरियल को जब भी हर रविवार को आता था तो मेरी भी इच्छा होती थी कि देखो, लेकिन मैं एक यात्रा में था, यात्रा में होने के नाते जब मैं रविवार के दिन ट्रेन से उतरा, ट्रेन से उतर करके कार्यकर्ता के यहां जा रहा था, टेलीविजन उस समय बहुत कम थे तो रास्ते में जा रहे थे, तब तक रामायण का समय हो गया, तो मैंने कहा यार कहीं देखो कोई घर है जहां रामायण देखी जा सके। तो वो उतरे एक परिवार में, और परिवार में उतरे लोग रामायण आ रही थी, रामायण को देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वो भी जाके एक कोने में बैठ गए। लेकिन जब रामायण आए, रामायण का पूरा संपन्न हुआ तो उस अपरिचित व्यक्ति ने देखा कि ये कोई बाहर का, उस जिस परिवार में देख रहे उन्होंने देखा ये कोई बाहर का व्यक्ति। उन्होंने पूछा आप कौन है, तो उन्होंने कहा साहब मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक पदाधिकारी हूं, और वो घर था एक मुस्लिम का, एक मुस्लिम के घर में रामायण दिखाई जा रही है और देखने वालों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शीर्ष पदाधिकारी भी बैठा है। तो चाय लेके आया, उन्होंने कहा आप चाय लीजिए, उन्होंने कहा चाय ले लेंगे, कहा हमारे घर में पीने में कोई आपको कोई दिक्कत तो नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, आपको जब रामायण देखने में कोई दिक्कत थी तो हमें चाय पीने में कौन दिक्कत है। लेकिन उन्होंने कहा एक बात, उन्होंने पूछी, उन्होंने कहा मुझे एक बात बताओ कि आप मुस्लिम हैं, अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन चल रहा है, लेकिन राम की इस गाथा को रामायण के माध्यम से आपके घर में टेलीविजन के माध्यम से दिखाया जा रहा है, क्या कारण है? उन्होंने कहा साहब क्या बात कर रहे हैं आप, रामायण, जब से हमारे घर में रामायण का इस सीरियल हम दिखा रहे हैं तब से हमारे घर का पूरा परिदृश्य बदल गया है। जो विवाद थे, भाई भाई का विवाद था, परिवार में पति पत्नी का विवाद होता था, जो आपसी एक द्वंद्व हमेशा रहता था, वो तब से पूरा समाप्त हो गया है, क्योंकि उन रिश्तों को
उन परंपराओं, क्योंकि आखिर हमारी उपासना विधि कुछ भी होगी लेकिन हमारा जींस तो वही है जो चला आ रहा है लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से। वह कोई क्षेत्र हो, कोई जाति हो, कोई मत हो, कोई मजहब हो, कोई संप्रदाय हो, यह तो एक उपासना विधि है, एक सामान्य व्यवस्था को संचालन करने के लिए बनाई गई एक व्यवस्था है। लेकिन जींस तो हमारा वही है, जब राम की बात होगी, कृष्ण की बात होगी, शंकर की बात होगी, भारत की किसी भी आध्यात्मिक परंपरा की बात होगी तो हम उसके साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे। और यह हर एक भारतीयता को यह प्रभावित करता है और वो चीजें हम लोग हर स्तर पर देखते हैं। मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से, आज एक तो आप सभी यहां पर आए और एक बड़ी मात्रा में हमारे साथ जूम पर भी जुड़े हैं, काफी लोग जुड़े हैं यहां पर, जो हमारे साथ में जुड़े हैं, शैलेश सिंह जी, श्री विजेंद्र प्रसाद जी, श्री अशोक पंडित जी, श्री कैलाश खैर जी, श्री मनोज जोशी जी, श्री नितिन देसाई जी, श्री विनोद बच्चन जी, श्री अनूप जलोटा जी, श्री उदित नारायण जी, श्री पद्म कुमार जी, श्री संदीप सिंह जी, इसके अलावा हमारे साथ में जिन लोगों ने जूम के साथ भी यहाँ पर जुड़े हैं, खास तौर पर परेश रावल जी जुड़े, सतीश कौशिक जी जुड़े हैं, श्रीमती सौंदर्या रजनीकांत जी जुड़ी हैं, विवेक अग्निहोत्री जी, अनुपम खेर जी, नीरज पांडे जी, डेविड धवन जी, सुभाष घई जी, सिरक पटेल जी, भूषण कुमार जी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, राज सांडियन जी, विशाल चतुर्वेदी जी, प्रियदर्शन जी, महावीर प्रसाद जी, महावीर जैन जी, न्यू जर्सी से श्रीमती अनामिका श्रीवास्तव जी, मुराद अली जी, ओम रावत जी, मनोज जी, दीपक दलवी जी, ये सभी लोग जुड़े हैं और रवि किशन जी भी इसके साथ जुड़े हैं। मैं एक तो आप सभी को अपना समय निकालने के लिए हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आभार भी व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप सब हमारी धरोहर हैं। संस्कृति और भारतीय परंपरा को एक मंच देकर के आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। सामान्य व्यक्ति ग्रंथ नहीं देख सकता है, सामान्य व्यक्ति इतिहास के पन्नों को पलट नहीं सकता है, वो ठीक है उसको कोई एग्जाम पास करनी हो तब तो देखता है, नहीं देखता, लेकिन एक सिनेमा के माध्यम से आप उसको हमेशा के लिए उसके मानस पे इस बात को रख देते हैं, उसको हमेशा के लिए उसके साथ जोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य इस पर आपने ये किया है, इसके माध्यम से आप कर रहे हैं और आज यहाँ पे आपने जो उत्साह दिखाया है इसमें एक तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में बहुत पोटेंशियल है। देखिए हिंदी तो यहाँ की एक सामान्य बोलचाल की भाषा है लेकिन चार बोलियाँ यहाँ पे है। पूरब में आप जाएंगे भोजपुरी, मध्य में आप आएंगे अवधी, पश्चिम में आप जाएंगे ब्रज है, इधर आप जाएंगे बुंदेलखंडी है, तो ये चार तो हमारी बोलियाँ यहीं पे हैं, उत्तर प्रदेश में ही है और बहुत पोटेंशियल है इसमें, बहुत वो है। राजस्थानी हमसे जुड़ी हुई है, हरियाणवी हमसे जुड़ी हुई है, इसी प्रकार से आप देखेंगे तो हर एक स्तर पर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी है, उधर जो है झारखंडी है, सभी एक दूसरे के साथ जोड़ करके हम लोग बहुत मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं और एक भारतीय सिनेमा को एक नया मंच मिलना चाहिए, इस समय की आवश्यकता है। उसमें प्रदेश सरकार इसमें पूरा वो करेगी। मैं चाहूंगा कि हम लोगों ने अपनी फिल्म नीति 2018 बनाई भी है और इसमें जो है राजू श्रीवास्तव जी यहां पे काम कर रहे हैं हमारे फिल्म बंधु की तरफ से भी, लेकिन इस कार्यक्रम को हम और अच्छे ढंग से विराट रूप में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है। भारतीयता हमारे मन में होना चाहिए, हमें उससे इतर छोट कहीं भी अपने को उससे इतर नहीं रखना होगा और उसको लेते हुए अगर हम कार्य करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और जो मैंने पहले भी आपको बताया है ये तो अपार संभावना वाला प्रदेश है, प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा इस पर है। तो इस चीजों से कभी हम जो यहाँ पे कार्य करेगा इन चीजों के साथ जुड़ेगा उससे अपने आप को कभी भी वंचित नहीं करेगा रखेगा, उन सब के साथ स्वतः स्फूर्त भाव के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा। मैं
आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, और खासतौर पर न्यू जर्सी से अनामिका जुड़ी भारत और भारतीयता के प्रति उन्होंने जो कहा है, वो 20 साल पहले भारत को छोड़ी हैं, लेकिन 20 साल के बाद अगर उनको उत्तर प्रदेश के अंदर आने का अवसर मिले, हमने अभी 2019 में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन प्रयागराज में किया था, और प्रयागराज में प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम के साथ हम लोगों ने प्रवासी उत्तर प्रदेश का भी कार्यक्रम उसमें रखा था। प्रवासी भारतीय दिवस में 7,500 प्रवासी कामगार और प्रवासी भारतीय उसके साथ जुड़े थे। हम उन्हें प्रयागराज कुंभ में भी ले गए थे, फिर रिपब्लिक डे परेड में भी उनको हमने शामिल करवाया था। बहुत अद्भुत आयोजन था, हर वर्ष ये कार्यक्रम चल रहे हैं, और प्रवासी भारतीयों के प्रति प्रधानमंत्री जी के मन में जो भाव हैं वह उसे एक नई ऊंचाइयां देता है। मुझे प्रसन्नता होगी कि हम लोग इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ा सकेंगे। हम लोगों ने जो फिल्म नीति उत्तर प्रदेश की बनाई है, मैं चाहूँगा कि सभी लोगों सभी को एक एक उसकी उपलब्ध हो जाए तो अच्छा रहेगा, उसको एक बार देख लेंगे, और इसमें अगर कोई संशोधन किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव जो इस फील्ड में प्रोत्साहन का होगा तो प्रदेश सरकार इसमें पूरा हर प्रकार से उसमें सहयोग करने को तैयार रहेगी, और मैं चाहूँगा कि आप में से सभी लोग मिल करके इसे मूर्त रूप देने में अपना योगदान दें, अपना सुझाव दें, अपने अनुभव का लाभ यहाँ पर देंगे, तो हम लोग देश के लिए देश की भावनाओं के अनुरूप एक नया मंच देने में हम लोग सफल हो सकेंगे। मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप जो प्रत्यक्ष रूप से आए हैं, जो लोग मेरे साथ यहाँ पर वेबिनार के साथ जुड़े हुए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबका भी हृदय से मैं अभिनंदन भी करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, और विश्वास करता हूँ कि ये फिल्म सिटी का कार्यक्रम द्रुत गति से आगे बढ़ सके। प्रदेश सरकार पूरी सकारात्मक भाव के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।